हालेलुया लोहिया रोमी की भत्री पाला अध्याय उसका क्रम देख रहा था जिसमें प्रेरित पौलुस अपना परिचय दे रहा है और अपना परिचय देते बता वो कहता है मैं मसीह का दास दूसरा मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया तीसरा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया तो जब सुसमाचार का शब्द आया तो सुसमाचार क्या है वो बताने लगा बोला है सुसमाचार जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में कहा गया और अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी यीशु मसीह के बारे में प्रतिज्ञा क्या थी कि वो शरीर के भाव से दाऊद का वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, अर्थात ईश्वर से आप परमेश्वर का पुत्र है यह बात को प्रमाणित हुआ कि वो मरे हुए में से जिलाए जाने के द्वारा वो जिलाए जाने का कार्य कौन किया था पवित्र आत्मा ने किया इसलिए पवित्रता का आत्मा शब्द वहां उपयोग किया है आ, आ, पवित्रता के सामत के कारण मसीहों से मरे हुए में से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा यही सुसमाचार है अर्थात प्रभु से दाऊद का संदान हो कराया मारा गया गाड़ा गया तेसरा दिन जी उठा यही सुसमाचार है तिमोथियुस की पत्री में भी इसी बात को लिखा दूसरा तिमोथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय पहला अध्याय उसका पहला या दूसरा अध्याय उसका आठ पद दो का आठ दूसरा तिमोथियुस दो का आठ यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है बोलो सब वहाँ सुसमाचार की व्याख्या स्पष्ट रूप से यहाँ जो किया वही कह है कहता है यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है इसका मतलब यही सुसमाचार है दाऊद का वंश से होकर मरे में से जी उठा यीशु वही सुसमाचार है पालू कह रहे है सुसमाचार जिसकी जिसके बारे में भविष्यताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में कहा गया था और परमेश्वर का पुत्र और हमारे मसीह के हमारे हमारे प्रभु के प्रभु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी वो दाऊद के वंश से होकर उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे से जी उठने के कारण सामत के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है पंचवा पद उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली अर्थात मरे हुए में से जी उठने के कारण परमेश्वर के पुत्र ठहरा हुआ रवी मसीह के कारण हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली वहां पॉलुसा अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल कर रहा है अनुग्रह अनुग्रह के लिए आगे जाकर आगे वो आ, उसी शब्द को आगे पॉलोस नमस्कार के या शब्द में या उसको इस्तेमाल करते हैं सातवा पद में भी प्रवेश वसी का उसमें प्रभुष वसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे वो शब्द भी वहाँ उपयोग अनुग्रह मतलब जहां हमें अर्दान हमें योग्यता नहीं थी वहां मुफ्त में मिला हुआ अनुग्रह मुफ्त में मिला हुआ तोहफा गिफ्ट वही है, है अनुग्रह जिसके लिए हम योग्य नहीं थे वह हमें मुफ्त में मिला है वही वह अनुग्रह है कहते हैं किसी प्रकार से हम जिस हमें कोई योग्यता नहीं वो प्राप्त करने के लिए वो हमें मुफ्त में मिला है आप परमेश्वर का संतान मिले बने या परमेश्वर का अनुग्रह आपके आ, आपके ऊपर आ जाए इसके लिए आप किसी भी प्रकार से योग्य नहीं था क्योंकि हम सब पाप करने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी कृपा से हम दूर थे लेकिन उसकी दया हम पर हुई कि हम उसका संतान ठहराएगे कहते वो सुसमाचार के अनुसार या उस सुसमाचार के कारण मुझे अनुग्रह और प्रेरिताई मिली पौलुस पर कहा मैं तो मसीह का प्रेरित हूं और यहाँ कह रहा प्रेरित होने के लिए बुलाए गए यहां कह रहे वो प्रेरिताई मुझे मिला है इसका मतलब मैंने लिया नहीं मुझे दिया गया है अर्थात परमेश्वर की कार्य करने के लिए भेजे जाने का अनुग्रह आपके और मुस्कर मुझ पर परमेश्वर की दया से मिला है हमारी योग्यता के कारण हम कभी भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं ठहराए गए हम वह कर भी नहीं सकते हैं यदि उसने विशेष कार्य के लिए विशेष काम करने के लिए नियुक्त करके भेजा हुआ व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुई कि हम सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए भेजे गए हैं ये उसकी अनुग्रह से हमें मिला है उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरित मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने उसके नाम के कारण किसके नाम के कारण यीशु मसीह के नाम के कारण मरे वो में से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा हुआ उसका नाम अर्थात यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने यहां प्रेरित है पौलूस यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कोई भी क्यों ना हो वो किसी भी जाति का क्यों ना हो यहां पॉलुस में सब जातियों के लोग पौलुस इस बात को जब कहते हैं पौलूस ने सेवा में देखा है मसीषु पर विश्वास करके सब जाति लोग क्या कर रहे हैं प्रभु पर विश्वास कर याद रखना पौलुस के पत्र लिखने से पहले 20 साल सेवा कर चुका है प्रभु में आकर अब पौलुस की तीन तीनुस प्रभु में आकर 20 साल 20 साल हो चुका है प्रभु में आने के बाद 10 साल वो अपने गृह नगर में प्रभु की सेवा किया उसके बाद अंदाकिया में आकर पहली दूसरी और तीसरी मिशनरी यात्रा का आखिरी समय है इसका मतलब ये कम से कम 20 साल हो चुका है 10 साल अपने गृहनगर में सेवा किया उसके बाद 10 साल उसने मिशनरी यात्राएं किया उसके अंतिम समय में 20 साल की सेवकाई के बाद वो कार है उनके सेवकाई के दौरान उसने देखा यहूदी और अन्य जाति दोनों यशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा रहे हैं यद्यपि पौलुस के द्वारा यह सेवा जो अन्य जातियों में हुई थी और किसी प्रेरित के द्वारा नहीं हुई है जिसका जिक्र परमेश्वर के वचन में पाए गए पत्रस के बारे में लिखा है वो यहूदियों के लिए प्रेरित ठहराएंगे तो पौलुष को अन्य जातियों का प्रेरित पौलुष स्वयं अपने आप को परिचय कराते अन्य जातियों का प्रेरित ऐसा कहता है लेकिन इस बात को याद रखना अन्य कई प्रेरितों से बढ़कर यहूदी लोग प्रभु में आया पौलुस के द्वारा है पौलुस कहीं भी जाए किसी भी क्षेत्र में जाए सबसे पहले वहां का सिन्नगोग में जाता है मतलब यहूदियों का जाकर उनको सुसमाचार सुनाते हैं। तो पहले उस नगर में रहने वाले यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के बाद ही वह अन्य जातियों के पास जाते हैं तो किसी भी नगर में पौलुस जाकर सुसमाचार सुनाए हैं वहां पौलुस के द्वारा अनेक यहूदी मसीह में आया है और उसके बाद वहां अन्य जातियों को भी उस समाचार सुनाए तो पौलुस के द्वारा यहूदी हो अन्य जाती हो सबके सब प्रभु में आए लेकिन पौलुस के द्वारा जितना अन्य जाति प्रभु में आया उतना और किसी के द्वारा नहीं आए तो पौलुस उनके अपने सामने देखा है अन्य जाति जो मसीह को नहीं जानते हैं वे लोग कैसे मसीह को ग्रहण करता है और उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं पर उसकी सेवकाई जो अन्य जातियों के बीच में पाई गई है ऐसे जगहों पर पाए गए जहां आ, कभी उम्मीद नहीं कर सकता था यह कुरिंद, थेना और तसरो की फिलिपीस ये सब अन्य जातियों का गढ़ है वह अन्य जाति आराधनाएं पाए जाते थे एक में लाएंगे ये विश्वास करने कर, कर भी नहीं सकता है। उसी जगह पर के द्वारा अनेक लोग मसीह को जाना और पौलुस ने देखा अन्य जाति भी मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हुए इसलिए वो यहां कहते हैं उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आ, उसका नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने यहां भी पौलुस इस बात को कर है उद्धार या अनुग्रह केवल उनको मिलता है जो ईश मसीह पर क्या करते हैं विश्वास करते ये पूरी पत्री में उस बात को समर्थित करने जा रहे हैं विश्वास करने से एक व्यक्ति क्या पाएगा उद्धार पाएगा यहां भी कह कर है मुझे अनुग्रह मिला प्रेरिताई मिला है तो मेरे समान और मसीह का नाम लेकर जो जो उद्धार पाए हैं, वे पाए हैं केवल जो उस पर पर क्या किया है, विश्वास के। पर विश्वास आज भी करने वाले वो कोई भी क्यों ना हो वो उद्धार पाते हैं प्रेज उसका विश्वास केवल मसीह पर जो विश्वास है वो उसको उद्धार प्रदान करते हैं या उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग उसके विश्वास करके उसकी माने जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो पालू कह रहा है कोई भी जाति क्यों ना हो उस पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते उसका हो सकते हैं और कहते हैं उसमें तुम भी है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया गया कौन रोम की कलिसिया के विश्वासी उनमें से अधिकतर विश्वासी कौन है अन्य जाति तुम भी वैसा ही बुलाएगी अर्थात यह कलिसिया जिनको पौलुस पौलुस लिख रहा है वे भी यीशु मसीह पर क्या किया है विश्वास किया है वो विश्वास के कारण उन्हें उद्धार मिला है कारण तुम भी उस विश्वास के कारण मसीह के होने के लिए बुलाए गए याद रखिए जो कोई मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं वो मसी का हो जाते हैं मसीह के होने के लिए बुलाए गए इसका मतलब हम जो यीशु पर विश्वास किया हम और किसी का नहीं ना हम हमारा है बल्कि हम प्रभु ईश्व का है मेरी बात को समझ है क्या यीशु मसीह पर विश्वास किया है अब आप, आपका भी नहीं और किसी का भी नहीं आप किसका है मसी का मसीह में विश्वास करने से पहले हम किसका था शैतान का था उसका संपत्ति था हम हेलो शैतान का था क्या पक्का था हमको चलाता कौन था उसकी आत्मा हमें चलाता था फिर बात को कह ईश्वर नहीं था उसकी आत्मा में चलाते थे कई पत्रियों में पुलिस इस बात को कह है हम मसीह पर विश्वास करने से पहले हम शैतान का था क्योंकि शैतान के कब से हुआ था जिस किसी के अंदर पाप पाए जाते हैं उस पर हक किसका है शैतान का क्यों पाप किसका है शैतान पाप का आविष्कार किसने किया था हेलो पाप का आविष्कार किसने किया था शैतान ने किया था नहीं है जब वो पाप किया तब तो वो शैतान बना तो पाप जहां कहीं भी दिखेगा वो बोलेगा ये मेरा है चलो मेरी बात को समझ रहे क्या जहां कहीं भी पाप दिखेगा वो बोलेगा ये मेरा हम प्रभु में आने से पहले कौन था हम पाप में मरे हुए थे नहीं है क्या पढ़िए और एफ, एफिसियन की पत्री दूसरा अध्याय उसका पाला पस से एफिसियन दो, दो, का पाला पस से एफिसियन दो अध्याय उसका पाला पस उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है हेलो हमको कौन चलाता था है? आकाश के उस अधिकार जो अभी आज्ञा ना मानने वालों पर चलता है वो हमें चलाता था कौन है वो शैतान क्यों हम पाप में क्या थे मरे थे पावर मरे थे यीशु प्रभीश, मसीह पर विश्वास करने के कारण मरी मरी क्या किया गया है जिलाए कि हम शैतान का संपत्ति था क्योंकि हम में पाप पाए जाते थे जहां कहीं भी पाप पाए जाएगा शैतान कहेगा यह मेरा है वैसा मनुष्य में जो कोई पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया उसमें पाप है जिसके कारण शैतान उस पर हक जताता है और जब आप यशु का नाम लेकर उस पर विश्वास करके उसका नाम लिया उसका नाम लेने के कारण आपका पाप क्षमा किया जाता है तो जब पाप आपके जीवन से दूर हुआ तो आप, आप शैतान का नहीं बल्कि जिसने आपका पाप को दूर किया उसका है आपका और मेरा पाप कौन दूर किया था इसलिए कार्य हम मसी का होने के लिए बुलाए गए हैं उसमें तुम भी है रोम की कलिसिया के विश्वासियों से कहता तुम के के होने के लिए गए हम हमेशा इस बात को याद रखिए हम हमारा नहीं हम प्रभु मसीह का है उसका नाम लेकर विश्वास करने के कारण हम उसका हो चुके हैं हम उसके उसके होने के लिए बुलाए गए हैं उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे प्रेरित साहब इस भाग में एक प्रकार से पहला अध्याय का पहला भाग में पौलुस ने कहा पौलुस की ओर से उसके बाद साथ पाना चाहिए पौलुस की ओर से उन सबके नाम जो रोम में रहते हैं परमेश्वर के प्यारे हैं पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं तुम्हें अनुग्रह शांति मिलते रहे ये बोलना चाहिए था लेकिन इसके बीच में पालुस स्वयं अपना परिचय दिया पालुस अपने बारे में क्या बोला पालुस का है मैं कौन हूं मसीह का दास दूसरा प्रेरित होने के लिए बुलाया गया तीसरा सुसमाचार के लिए अलग किया अब सुसमाचार का शब्द आया तो वो सुसमाचार क्या है वो बोलना है सुसमाचार क्या है हेलो सुसमाचार जिसके बारे में भविष्य के द्वारा किसमें लिखा था पवित्र शास्त्र में क्या लिखा था दाऊद का वंश का होकर शरीर का भाव से दाऊद का वंश होकर वंश में होकर आया और पवित्रता की आत्मा पवित्रता की आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मरे वो में से जिला जाने के कारण कौन ठहरा परमेश्वर का पुत्र अर्थात दा, दाऊद का संदान होने के कारण मनुष्य का पुत्र ठहरा मरे हुए में से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा इसलिए दाऊद भी यीशु मसीह को अपना प्रभु करे है जिसके बारे में प्रेरित पत्रस प्रचार करते वक्त कर है वो दाऊद भी ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करके कहा था मैं मेरे प्रभु से मैं मेरे प्रभु से मसी प्रभु यीशु मसीह को दाऊद क्या कर देखा था हम उस भाग से देखा था इसका मतलब मनुष्य मनुष्य का रूप मनुष्य का होकर आने के लिए मनुष्य के रूप से शरीर में आने के लिए दाऊद का वंश में होकर आया और परमेश्वर का पुत्र ये ठहराने के लिए वह मरे उमे से जिलाया गया किसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा और उस पर विश्वास करने के कारण हमें क्या मिला है क्या मिला है अनुग्रह और प्रेरिताई मिली जय तुमको भी मिला है किसको किसको ये रोम की कलेशिया के विश्वासियों को भी अनुग्रह मिला क्योंकि वे भी उसका नाम लेकर क्या किया विश्वास किया क्योंकि यीशु मसीह पर जो मरे वो में से उठा उस पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर का अनुग्रह मिला और प्रेरिताई मिला अर्थात जो कई मसी पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं सबके सब, सब एक प्रकार से प्रेरिताई प्राप्त किए हुए लोग हैं मतलब आप सबको प्रभु ने बुलाकर एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा है कौन सा काम सुसमाचार सुनाने के लिए वो आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले हो जाए सुसमाचार क्या है दाऊद का संदान होकर आया और मरे हुए में से उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा, वो मसीह उस पर विश्वास करने से उद्धार मिलेगा यही है कौन सा सुसमाचार ये कार्य के लिए उसने हमें बुलाया है या उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए भुलाए गए हैं यहां आ, रोम की कलीसिया के बारे में कह रहे हैं परमेश्वर के तुम प्यारे हैं इसका मतलब परमेश्वर तुमसे क्या करते हैं प्रेम करता है हर विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करके धर्म ठहराए गए हैं उन सबसे परमेश्वर प्रेम करता है प्रेजौट हम सब के सब परमेश्वर के कौन है कौन है प्यारे हैं इसका मतलब सब हम सबसे परमेश्वर क्या करते हैं याद रखिए सारी सृष्टियों को किसने बनाया लेकिन परमेश्वर एक भी सृष्टि से क्या नहीं करता है प्रेम नहीं करता प्रेम केवल एक सृष्टि से करता है कौन है वो मनुष्य सारी सृष्टियों को बनाया परमेश्वर और उन सारी सृष्टियों को संभालने वाला भी कौन है नहीं है हेलो नहीं है ब्रहण के पत्र वाला अध्याय में लिखा वो सारी सृष्टियां उसी के लिए उसी के लिए बना उसके द्वारा उसी के लिए बनाया गया कुलसिंग के पत्र में पाए जाते हैं फिशु के पत्र में पाए जाते हैं सारी सृष्टियां बनाने वाला आज भी उसको संभालने वाला कौन है कौन है परमेश्वर लेकिन एक भी सृष्टि से परमेश्वर प्रेम नहीं करता प्रेम करता तो एक की सृष्टि कौन है वो यहां तक परमेश्वर स्वर्ग दूतों से भी प्रेम नहीं करता कैसे मालूम हेलो परमेश्वर स्वर्ग दूतों से प्रेम भी परमेश्वर स्वर्ग दूतों को कई जगह परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का पुत्र भी कहा है लेकिन उनसे परमेश्वर क्या नहीं करता प्रेम क्यों क्योंकि स्वर्गदूतों का सबसे प्रधान व्यक्ति था कौन लूसीफर उसने कुछ किया नहीं मन में सोचा क्या सोचा मैं तो उसके तुल्य हो जाऊंगा परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा उसके सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन रखूंगा बोला भी नहीं है किया भी नहीं है मन में सोचा ही है तो परमेश्वर ने क्या किया बेटा इधर आ जाओ तो ऐसा मन में नहीं सोचना गलत है ऐसा बोला है क्या नहीं है उसको अपना स्थान से हटा दिया स्वर्ग दूत की पद से उसको हटा दिया और उसके लिए एक नरक भी बनाया हेलो यदि मान लीजिए उससे प्रेम करता तो परमेश्वर क्या करता उसको माफ करता या उसके अवसर देता जब स्वर्गदूतों का प्रधान यह साधारण नहीं था यह लूसीफर है लूसीफर स्वर्गदूतों का प्रधान भी था और परमेश्वर की आराधना करने वालों का नेता था वो वो बना भाई बच्चन में यह लिखा है कि वो जब बनाए गए सारा वाद्य अंदर उसके शरीर में था है कि नहीं वो चलते फिरते क्या निकलता था सुंदर आवाज निकलता था नहीं है उसका उसका सुंदरता के बारे में बहुत वर्णन है लिखा है इतना सुंदर सृष्टि को परमेश्वर एक अवसर भी नहीं दिया कि वो मन फिराए या उसका पाप से वो फिरे जैसा उसने पाप के बारे में सोचा किया नहीं परमेश्वर उनको अपने स्थान से हटा दिया और उसके लिए एक नरक भी बनाया लेकिन मनुष्य उसने पाप के बारे में सोचा ही नहीं उसने पाप कर भी लिया तो परमेश्वर करना क्या था यह लूसीफर का सामान उसको पकड़ कहां डालना था नरक में उसको पकड़कर नरक में डाला ही नहीं बल्कि जो पाप उसने किया वह पाप से उन्हें छुड़ाने के लिए एक कलवरी क्रूस की घोषणा भी कर लिया मेरी बात को समझ रहे क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों से प्रेम नहीं करता मनुष्यों से प्रेम करता क्यों जब स्वर्गदूत पाप किया नहीं पाप के बारे में सोचा ही उसने उसको पकड़कर नरक में डाल दिया उसको उसने स्थान से हटा दिया बल्कि मनुष्य पाप कर भी लिया तो परमेश्वर उनको नरक में नहीं डाला बल्कि नरक से उसको बचाने के लिए एक कलवरी क्रू कलवरी का क्रूज भी बना दिया है क्योंकि वो मनुष्य से क्या किया है प्रेम किया क्यों प्रेम किया क्योंकि बाकी सारी सृष्टियों को परमेश्वर कहने पर बनाया स्वर्गदूत हो ने बोल दिया हो जाए हो गया आकाश पृथ्वी सारी सृष्टिया उसने अपने कहने पर बनाया मनुष्य को करके बनाया है नहीं बनाया कैसे बनाया उनको? मिट्टी का पुतला बनाया मिट्टी का पुतला बनाया तो मिट्टी लेना पड़ेगा पानी डालना पड़ेगा आगता जैसा गूंदना पड़ेगा उसके बाद उसका रूप बनाना पड़ेगा उसके बाद उनके नथनों में क्या कर दिया जीवन का श्वास डाल दिया तब वो कौन बना मेहनत करके बनाया है। जीवन का श्वास डाला तो वो कौन बना जीवित जब परमेश्वर ने उसमें फूका तो क्या हो गया उसमें आत्मा आ गया कौन सा आत्मा हैं कौन सा आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं है हाँ कई बार ये गलत विचार आते हैं परमेश्वर आदम का पुतला बनाने के बाद उसके नथनों में फूका कौन फूका परमेश्वर ने फूका तो कई बार यह सिखाए जाते हैं परमेश्वर ने जब फूका तो परमेश्वर की आत्मा किसमें आया मनुष्य में आया, आया। नहीं यदि परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में आ जाए तो मनुष्य कौन बन जाता परमेश्वर बन जाता तो फिर हुआ क्या है जब परमेश्वर उसके नतनों में फूका तो मनुष्य की आत्मा नाम एक नई चीज उसका उत्पन्न हुआ है अरे बात को समझ रहे क्या मनुष्य का आत्मा अलग है परमेश्वर की आत्मा अलग है जब परमेश्वर ने फूका फूकने की वो जो कर्म वो कार्य उस कार्य के द्वारा मनुष्य की आत्मा नाम एक नई चीज मिट्टी के पुतले में आ गया तब वो कौन बन गया है जीवित प्राणी बन गया मेरी बात को समर है जब परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले में फूका तो परमेश्वर की आत्मा उसमें नहीं आया परमेश्वर की आत्मा उसमें आ जाता जा तो कौन को भी कौन बन जाता इसलिए कई लोग कहते हैं सारा मनुष्य भी परमेश्वर है करके सारे मनुष्य में परमेश्वर पाए जाते हैं यह सब गलत व्याख्या है गलत विचार है कभी भी मनुष्य कौन नहीं बन सकता है परमेश्वर नहीं बन सकता परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हमारे अंदर रहने के लिए दिया वो अलग बात है लेकिन सृष्टि के बाद हमारे अंदर जो आया है परमेश्वर की आत्मा नहीं आया किसका आत्मा आया है मनुष्य की आत्मा नाम एक नई चीज उत्पन्न हुआ है हेलो मेरे बात को समय क्या मनुष्य का आत्मा अलग है परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं हेलो है कि नहीं इसलिए अह शायद कुरंदंगि पत्री में उस बात को कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा या पाला कुरंदंगि पत्र दूसरा अध्याय आ उसका 10 पसे पढेगा पाला कुरंदियों दो का दस से परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है क्या दो आत्मा के बारे में एक कौन सा है परमेश्वर की आत्मा यह परमेश्वर की आत्मा यह कौन सा है आत्मा इसके बारे में कार्य है क्या है वो परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है कौन सा आत्मा परमेश्वर की आत्मा किसको जानता है परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के गूढ़ भरी बातों को भी जानता है और आगे कार है मनुष्यों में मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है मनुष्य में जो आत्मा है वो कौन सा आत्मा है मनुष्य की आत्मा है परमेश्वर की आत्मा लिखा हुआ स्पष्ट है नहीं है हेलो मनुष्य में एक मनुष्य को ठीक रीति से कौन जानता है मनुष्य की आत्मा हमारी आत्मा हमको अच्छी तरह से जान रहा है हांकार है मनुष्य की आत्मा मनुष्य को अच्छी तरह से जानते तो यह मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया पवित्र आत्मा वो हमें सब कुछ सिखाते हैं और बताते हैं इसका मतलब एक बता जो प्रभु में आया उनकी आत्मा में अर्थात उनमें परमेश्वर अपनी आत्मा देता वो आत्मा कौन सा हेलो पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा के बारे में रही है? वो तो किसको दे रहे मनुष्य की आत्मा के साथ मिलकर हमारी घूर भरी बातों को भी हमें समझाते हैं इसका मतलब मनुष्य का आत्मा अलग है और परमेश्वर की आत्मा अलग है जब अदन की बाटी जाया जब परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि किया तब उसमें फूकने के कारण उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं आया फिर कौन सा आया मनुष्य का आत्मा नाम एक नई सृष्टि उसमें आया तो परमेश्वर अपनी समानता में अपने स्वरूप में हमें बनाया परमेश्वर के परमेश्वर में ही पाए जाने वाला गुण कौन सा आया वो गुण भला क्या है बुरा क्या है ये सब पहचाने का दूसरा वो बाद में मनुष्य में आया लेकिन समानता स्वरूप यही है स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र इच्छा निर्णय लेने का अधिकार यह परमेश्वर किसको दिया है मनुष्य को दिया नहीं तो सारा मनुष्य एक रोबोट बन जाता हेलो, एक मशीन बन जाता किसी किसी काम करने के लिए जय हिस्सा बनाए वही काम करेगा यदि मान लीजिए मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर नहीं देता तो वो कौन बन जाता रोबोट बन जा। जो काम बताए वही करेगा अपना विचार से कुछ नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर मनुष्य का हिस्सा बनाया उसमें स्वतंत्र इच्छा दिया कि वो चुन सकता है वो करना क्या है जो नहीं करना है ये अनुग्रह प्रभु मनुष्य में दिया और परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप में मेहनत करके बनाया और केवल इस सृष्टि से परमेश्वर क्या करता है क्या करते हैं प्रेम करता है कैसे मालूम स्वर्गदू जब पाप किए उसके लिए नरक बनाया आपके। लेकिन मनुष्य पाप किया तो उसके लिए नरक नहीं बनाया बल्कि उसके लिए एक कलवरी क्रूस बना दिया ताकि वो पाप से वो छुटकारा प्राप्त करें क्योंकि वो हमसे प्रेम किया है अब वो मनुष्य जो यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं वे कौन बन जाते हैं परमेश्वर के प्यारे प्रेज़ द लॉर्ड ईश्व पर विश्वास विश्वास किया है आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कौन है प्यारे हैं प्यारे हैं इसका मतलब आपके लिए जो कुछ चाहिए परमेश्वर करेगा क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं प्रेम करते हैं हम परमेश्वर के प्यारे हैं अगला हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हेलो यदि यीशु पर आपने विश्वास किया और उसकी अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट हुई है तो आपको बुलाया किस लिएश्व पर विश्वास उसने अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध और पवित्र किया और उस पवित्रताई में बने रहना आपका और मेरा कर्तव्य है यदि ईश्व पर आपने विश्वास किया परमेश्वर चाहता है आप पवित्र बने रहे पवित्र पवित्र पवित्रता के लिए कई शब्द उपयोग की जाती है जिसमें कई अर्थ ऐसा पवित्रता या शुद्ध पवित्र और परम पवित्र इन तीन शब्द इसमें पाए जाते हैं शुद्ध पवित्र और परम पवित्र या परिशुद्ध इसमें शुद्ध उसके लिए शब्द जो उपयोग किया है यूनानी भाषा में हग्नोस शब्द हग्नोस शुद्ध उस शब्द के लिए हग्नोस शब्द उपयोग किया पवित्रता के लिए हागियोस शब्द उपयोग किया पवित्रता के लिए हागियोस हागियो और परम पवित्र के लिए होसियोस शब्द उपयोग किया तीन शब्द हग्नोस हागियोस और होसियोस इसमें परम पवित्र जो होशियों से केवल परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल होता है क्योंकि परम पवित्र या परिशुद्ध केवल कौन है परमेश्वर है या पहला हग्नोस शुद्ध उसके लिए हग्नोस हग्नोस दूसरा हागियोस पवित्र के लिए पवित्र हागियोस तीसरा होसियोस 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 परम पवित्र ये शब्द होसियोस केवल परमेश्वर के लिए है इस ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है जो होशियोस है वह परमेश्वर है मेरी बात को समझ रहे क्या आप लेकिन आज कई मनुष्य यह नाम लेता है हेलो या yeah, उसमें शुद्ध पवित्र और परम पवित्र या परिशुद्ध शुद्ध के लिए हग्नोस और पवित्र के लिए हागियोस और परम पवित्र के लिए होसियोस, होसियोस। जब जब कब जो नामधराई कलिसियाओं में बिशप बनाए जाते तब कुछ का कुछ क्रियाकर्म रहता है जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस या कैथोलिक चर्चेस में जब एक व्यक्ति को बिशप ठहराए जाते हैं उसको पवित्र मानते हैं पवित्र नहीं उनको परम पवित्र मानते हैं। उसका नाम के शा, शा, पहले परिशुद्ध जोड़ देता है नहीं है Hello? और तो का बिशप लोगों का नाम कह रहते हैं परम पवित्र स्वयं से उनका पूरा नाम ही बदल जाता है वो होकर के लंबा हो जाता है उसमें तो उसमें यही शब्द होसियोस जब उसका उस, उसका स्थानारोहण होता है तो बिशप को तीन बार उठाते हैं वे लोग एक बार उठाकर बोलिए बोली उसका उसका बोलता है उसका उनको ऊपर उठाकर ऐसा बोले होसियोस उनका नाम बोलेगा दोबारा फिर उठाएगा होसियोस उनका नाम बोलेगा फिर तीसरा बार भी उठाकर क्या बोलेगा होशियोस उसका नाम होसियोस मतलब क्या है परम पवित्र इसका मतलब उसमें जैसे मलयालम तिरुमेनी बोलता है तिरुमेनी तिरुमेनी का मतलब तिरुमेनी मेनी मतलब शरीर तिरु मतलब कभी ना सोने वाला शरीर वाला हेलो सारे बिशप लोगों को क्या बोलता है तिरुमेनी बोलता है तिरुमेनी मतलब कभी उसका शरीर क्या नहीं होगा कोई ऐसा है क्या अभी? आपको मालूम? शब्द के लिए योग्य केवल हमारा प्रभु यीशु है क्योंकि उसका शरीर क्या नहीं हुआ था वो उसका शरीर सड़ने नहीं दिया उसका शरीर नाश होने नहीं दिया तिरुमेनी वो शब्द जो होशियोस परम पवित्र शब्द वो केवल किसके लिए है परमेश्वर के लिए किसी मनुष्य के लिए वो उपयोग नहीं करना है ना कर सकता है क्योंकि कोई मनुष्य परम पवित्र नहीं बन सकता हौसी कभी मनुष्य नहीं होगा होशियोस शब्द केवल परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करता है वो मनुष्य के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना यहां पौलुष कह रहे हैं कि कलिसिया रोम की कलिसिया का विश्वासियों से कहते हैं तुम पवित्र होने के लिए क्या किया गया है बुलाया गए तुम शुद्ध और पवित्र होने के लिए बुलाया गया पवित्र जो शब्द वहां उपयोग किया एक आ, वो जो जो हागियोस हागियो जो दूसरा पवित्र जो शब्द है उसका अर्थ यह है एक विशेष काम के लिए ही अलग कर कर रखा हुआ वही है वो पवित्र शब्द हागियोस का अर्थ अग्नोस हागियोस और होसियोस उसमें हागियोस का शब्द वही शब्द यहां उपयोग किया यह पवित्र पवित्र होने के लिए बुलाया गया उसके लिए हागियोस शब्द उपयोग किया हागियोस का अर्थ यही है एक विशेष कार्य के लिए अलग कर कर रखा है हेलो यदि आप यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है परमेश्वर आपको क्या कर दिया है अलग कर दिया है एक विशेष कार्य आपके द्वारा करने के लिए कौन सा कार्य है परमेश्वर की योजना आपके जीवन में इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए उसके लिए प्रभु ने आपको और मुझको अलग किया है वह काम हम करने वाले हो जाए परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाए हैं या उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु ईश्वर मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे क्या कह रहे हमारे पिता परमेश्वर हेलो नया नियम में ईश्वर मसीह पर विश्वास करने से हमें मिला हुआ सबसे बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर पिता हमारा पिता बना नहीं है करा के कोई भी परमेश्वर को कर पिता करके संबोधित नहीं करता था क्या कहते थे वे लोग अब्राहम इसाक और याकूब का परमेश्वर अपना परमेश्वर अपना पिता नहीं कहता था कभी भी पुराने करा लोग परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित नहीं कर सकता था सबसे पहले परमेश्वर को हो मेरा पिता है वो कहा कौन है प्रभु यीशु मसीह उसके बाद यीशु मसीह हमें जो उस पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर को पिता कहने का अनुग्रह दिया मसीह से चले लो बोला प्रार्थना सिखाओ तो मसीह क्या बोला हमारे स्वर्गीय पिता पिता जो स्वर्ग में पाए स्वर्ग में अर्थात परमेश्वर को पिता कहने का अनुग्रह केवल नए नियम के विश्वासी हमको मिला है अब्राहम इसाक याकूब किसी को नहीं मिला हेलो पुराने क़रार के कोई भी भक्त लोग परमेश्वर को पिता नहीं कर, पिता कह कर, कर पुकार नहीं सकता था तक बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर को पिता कह कर, कर पुकार नहीं सकते थे लेकिन मसीह पर विश्वास करने वाले हम अन्य जाति भी परमेश्वर को पिता कह कर, कर पुकार सकते हैं ये अनुग्रह उसने हमें दिया है तो हैं कि वह हमारे पिता हम परमेश्वर को पिता कहकर सकते हैं कहते हैं हमारा पिता हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु ईशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे परमेश्वर हमारा पिता है ईशु मसीह हमारा हमारा प्रभु है प्रभु है प्रभु मतलब स्वामी है प्रभुत्व करने वाला प्रभुत्व करने वाला प्रभुत्व करने वाला मतलब जैसा पहले शुरू में कहा मैं मसी का कौन हूं दास हूं तो मसी मेरा कौन है है वो मेरा करता है वो मेरा प्रभु है प्रभुत्व इसका मतलब यीशु को प्रभु जान लिया इसका मतलब मैं मसी का दास मसी का चेला मसीह का चेला मतलब यीशु मेरा गुरु गुरु और चेला का संबंध क्या है गुरु जो बोले वही करेगा वही है चेला नहीं है पहले भारत में गुरु गुलवा करता था वहां गुरु लोग लो, गुरु के घर में रहकर पढ़ते थे वहां की विशेषता क्या है गुरु जो बोलेगा वो करना पड़ेगा कुएं में कूदने के लिए बोलेगा तो भी कूदना पड़ता था क्योंकि मालूम है गुरु कुछ अर्थ रख कर बोल रहा है उसका अर्थ क्या है मालूम अपना कोई अस्तित्व नहीं अपना कोई व्यक्तित्व नहीं पूरा पूरा किस पर निर्भर है गुरु पर ईश्वर को यदि आप प्रभु मान लिया है आपका जीवन का पूरा प्रभुत्व मसीह का है अपना व्यक्तित्व अपनी योग्यता सब कुछ वहां शून्य बन जाता है जो वो कहेगा वो करेगा हम रह चलो तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु हो गया और परमेश्वर हमारा कौन बना है? पिता कह रहे इनकी ओर से अर्थात पिता परमेश्वर और मसीह इनकी ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे दो शब्द एक अनुग्रह और शांति अनुग्रह शांति क्यों बोला रोमन 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 लोग रोमन लोग मतलब अन्य जाति या ग्रीक लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तब अभिवादन करने के लिए उपयोग करने वाला शब्द था कौन सा अनुग्रह जब एक जब एक दूसरे के बोलते हैं जय मसीह बोलते हैं वैसा ही एक ग्रीक दूसरे से मिले या यूनानी यूनानी दूसरे युनानी से मिले या रोमन अपने दूसरे से मिले तो उनको बोलेगा तुम्हें क्या मिले अनुग्रह मिले लेकिन यहूदी जब आपस में मिलते हैं तब क्या कहते हैं तुम्हें शांति मिले पौलुष यहां दोनों शब्द उपयोग कर है। क्यों दोनों शब्द उपयोग किया क्योंकि इस कलिसिया में दोनों ग्रुप है कौन सा यहूदी भी है और कौन भी है अन्य जाति भी इसलिए दोनों का सल्यूटेशन दोनों का अभिवादन का शब्द पौलुस यहां उपयोग कर रहा है तुम्हें अनुग्रह भी मिले तुम्हें शांति भी मिले अनुग्रह यहूदियों का अनुग्रह अन्य जाति अर्थात यूनानियों का अभिवादन का शब्द था उसके लिए अनुग्रह के लिए जो शब्द ईरानी भाषा में हाई वेल शब्द हाईवेल हाई शब्द है। वे आपस में मिलते समय हाई वेल ऐसा कहा करता था इसका मतलब तुम्हें अनुग्रह मिले यह खुद जब आपस में मिलते थे तब कहते थे तुम्हें शांति मिले वो शालोम शालोम जो कहे वो वो आ, ब्रानी, ब्रानी शब्द है शालोम शालोम ने की शालोम ने की मतलब तुम्हें शांति मिले ये यहूदियों का आ, अभिवादन करने का तरीका था शालोम निखी तुम्हें अनुग्रह मिले तो इस कलिसिया में रानी ये रोम रोम की कलिसिया में अन्य जाति विश्वासी भी है और यहूदी धर्म से प्रभु में आए विश्वासी भी है इसलिए पौलुस ये दोनों शब्द वहां आ, उनके लिए उपयोग कर रहे हैं पुराने नियम में भी यह दोनों शब्द उपयोग किया है अनुग्रह अनुग्रहत इसराइलियों को परमेश्वर जब नियम दिया तब याद यादकीय सेवा जिसको सौंपा है उनसे कहा तुम इसराइलियों को जब आशीर्वाद देगा तब यह शब्द उपयोग करना है आ, जब आप गिनती के पुस्तक उसका छे अध्याय गिनती के पुस्तक छः अध्याय उसका 25 और 26 गिनती 6 अध्याय नंबर्स चैप्टर टू 6 वर्सेस 25 और 26 या पढिएगा गिनती के पुस्तक 6 अध्याय उसका 25 और 26 यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश हम काए और तुझ पर अनुग्रह करे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे या हारून उनके घराने के लोगों को परमेश्वर ने याजकीय या काम सौंप दिया याजकीय या काम करने वाले परमेश्वर के मंदिर में जाकर सेवा करेंगे परमेश्वर के मंदिर में विशेष रूप से वे लोग जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में मिली चुराने के बाद वे लोग बाहर आएंगे याजक लोग हारून और उनके संतान पर कोई भी सेवा किया है बाहर आएंगे और बाहर इसराइल लोगों का इंतजार करें इसराई लोग इंतजार करेंगे ल, लोग इन लोगों की वे आकर उनको आशीर्वाद देगा आशीर्वाद दिए बिना या लिए बिना भी भीड़ वहां से नहीं जाते विशेष करके हर दिन यह सेवा हुआ करता था लेकिन विशेष करके जिस दिन महायाजक परम पवित्र स्थान में इसराइलियों का पाप की प्राय बड़ी चलाने के लिए चले जाते हैं उस बस सारे इसराइली पूरा आंगन में खड़े रहेंगे पूरा आंगन में लेकिन आंगन में केवल इसराइली ही नहीं कौन भी है अन्य जाति कहां पर आंगन में है यहूदियों का आंगन में नहीं यहूदियों का आंगन के बाहर बाहर एक दीवार है पांच फीट का एक दीवार उसके उसके पीछे उसके उस पार कौन खड़ा रहेगा अन्य जाति जो यहोवा पर क्या करते हैं विश्वास करते हैं ना होने के कारण वे आगे उस दीवार को उस पार नहीं जा सकते मैंने कई बार कहा वो दीवाल में लिख कर रखा है कोई अन्य जाति इसके आगे ना जाए गया तो क्या किया जाएगा वो पत्थरवा करके मार डाला जाएगा इसलिए कोई भी अन्य जाति वो दीवार के उस पार नहीं जाएगा अब देखिए महायाजक साल में एक बार इसराइल की या मनुष्य जाति की पाप की प्रायश्चित के लिए बिली चढ़ाएगी उस जानवर का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में गया जाते समय भी है इसके अंदर डर है किसके अंदर है याजक के अंदर क्योंकि कोई गारंटी नहीं है जिंदा वापस आएगा क्योंकि कोई इसके अंदर कोई पाप है तो वो क्या हो जाएगा वो मर जाए जान बुझ कर कोई पाप किया तो मर जाएगा क्योंकि पुराने नियम में जान कर की, जाने वाले के नहीं होता था मर जाएगा मर तो उसका लाश कैसे उठाएगा हाँ यद्यपि बाइबिल में उसका बारे में नहीं लिखा याजक की वस्त्र के वस्त्र में इस बात के बारे में नहीं लिखा है लेकिन यहूदियों की उनकी उनकी तलमूद और तोरा के कई पुस्तकों में पाए जाते हैं महायाजक एक बेल्ट पाए बेल्ट तो है वो बेल्ट में वे लोग एक रसी बांधता है उसका एक कोना आंकन तक या पवित्र स्थान तक रहेंगे और ये महायाजक ये उसका एक हाथ में क्या है लहू है दूसरा हाथ में क्या है धूपदान 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 रहे ना जिसमें क्या निकलता है वो उसके कारण कई कलेज में आज भी क्या निकलता है तो ये धुआ लेकर क्यों जाते है मालू? है जो जा रहे हैं अति पवित्र स्थान वहां क्या रखा है संदूक संदूक रखा है। वो संदूक का एक पिटी है, एक उसके ऊपर का डक्कन उसको ढाका हुआ डक्कन और दोनों डक्कन के दोनों साइड दोनों साइड में दो करूब है वह ढक्कन को कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन परमेश्वर की शख उसमें उतरता है तो कोई भी मनुष्य सीधा उसको देख लिया तो क्या हो जाएगा वो मर जाएगा ये महायाजक भी क्यों ना हो उसको देख ले तो क्या हो जाएगा मर जाएगा इसलिए उसको बोला तो एक हाथ में क्या लेना चाहिए धूपदान धूपदान ये लेकर जाते हैं तो वो पूरा धुआं से भर जाएगा जब ये जो लहू लेकर छिड़कते हैं उसके ऊपर उस वक्त वो अपनी सीधी आंखों से वो नहीं देखेंगे किसको यह अनुग्रह का सिंहा या परमेश्वर की महिमा को कैसे देखेंगे धुआं के बीच से देखेगा धुआं होने के कारण ठीक से उसको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन मालूम है वहां ऐसा संदूक रखा है ठीक से यदि अपनी आंखों से सीधा देख ले तो क्या हो जाएगा मर जाएगा ऐसा ना मरे उसके लिए यह धुआं लेकर जाते हैं जो दान लेकर जाते हैं। उसमें से धुआं निकलता है वो मान लिया वहां जाते समय यह जिंदा है मरा है कैसे मालूम उसका नाम लेकर पूछता है क्या तू जिंदा है क्या नहीं है महायाजक का वस्त्र विशेष रूप से बनाया गया है, उस वस्त्र के नीचे उसका छोर पर घंडी लगाया गया है ना घंडी लगाएंगे वो जब इसको लेकर वहां चलते फिरते वो सेवा करेंगे ये घंडी क्या रहा है ये घंडी बसते इसराइल लोग तसल्ली लेगा तसल्ली हो जाए इसका मतलब हमारा महाराजा क्या नहीं हुआ है मरा नहीं है जिंदा अभी भी क्या है जिंदा है जिस समय घंटी बंद हो जाता है इसका मतलब पता चला ये क्या हो गया है ये खत्म तो ऋषि क्या करने क्योंकि ऋषि है क्योंकि यदि उसको उठाने के लिए अंदर जाएगा वो भी क्या हो जाएगा नहीं है क्या एक बार फलिस्तियों के बीच में यह संदूक पहुंच गया था नहीं है है ना कुछ लोग उसको क्या करने के लिए गया देखने के लिए गया? क्या हो गया मर गया आखिरी में पचास हजार से अधिक लोग क्या हो गया मर गया क्या देखने गया था यह संदूक देखने के लिए गया था तो ये आ, ये महायाजक मरा तो उसको खींचने के लिए रस्सी रखा है उसमें से उसका लाश को क्या कर देता है बाहर खींच लेता है तो ये महायाजक की लो ये लेकर जाकर उनकी पाप की, प्र, की, की प्रायश्चित की के लिए वो बलि चढ़ाकर वापस आते तक विश्वास पकड़ कर खड़ा रहेगा यह आदमी जिंदा नहीं आया तो इनका पाप भी क्या नहीं होगा क्योंकि साल भर किया गया पाप का प्रायश्चित के लिए गया है कौन मान लिया मर गया तो इनका पाप भी क्या नहीं होगा इसलिए यह भी वहां खड़े खड़े क्या करता रहता है प्रार्थना करता है प्रभु ना मारना उसको साकुशल क्या हो जाए वापस आए तो यह जाकर बली चराने के बाद वापस आने की इंतजार पूरा इसराइली बाहर करता है और यह महायाजक बाहर आएगा उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर इसराइली को आशीर्वाद देते हुए यही शब्द कहेगा बोला हारून उनका संदान यही शब्द उनसे वही वहां जब उनको आशीर्वाद देते तो भी क्या लिखा है यहोवा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे छब्बीस पद यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे वहां भी कह रहे हैं अनुग्रह भी मिले और शांति मिले अनुग्रह शांति क्यों? वहां भी कौन सा ग्रुप है दोनों है। नहीं है? के उस पार कौन खड़ा है अन्य जाति अंदर कौन खड़े हैं यहूदी। हारून का घर हारून उनका वंश परंपरा के सेवक यहाजक लोग महायाजक लोग भी अपने लोगों को आशीर्वाद इसी शब्द को इस्तेमाल करके करते थे आगे जाकर आत्मा में होकर प्रेरित लोगों भी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए या उनको नमस्कार करने के लिए यही शब्द उपयोग किया है याद रखिए सच्चा अनुग्रह केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है सच्ची शांति भी केवल परमेश्वर ही देगा रोज शांति और अनुग्रह यह हमें केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है इसराइली लोग जब तक ये महाराजा का आशीर्वाद नहीं पाएगा तब तक नहीं जाएगा हेलो इसलिए कहा था मीटिंग आशीर्वाद के बाद ही उठना चाहिए है? मीटिंग के बीच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगली आ, 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 असली आशीष कब है हाँ लास्ट में चलो ये बीच में उठकर जाने की प्रथा कहाँ है केवल पंतकस लोगों के, के बीच में या प्रोटेस्ट लोगों के बीच में कतली चर्च में जाकर देखना और चर्च में जाकर देखना बीच में इजाजत है क्या वो है जब उनका उनकी वो सेवा जो विशेष सेवा शुरू हो गए तो नहीं जा सकता आप और सर्च तो में जाकर देखना पादरी उनका मधुबा करके की जगह है जहां वो धूप दान लेकर जाते हैं समझ रहे है ना है धुआं बैरा लेकर जाते हैं उसमें यदि पादरी घुस आया घुस गया है तो फिर कोई चर्च के अंदर नहीं जा सकता उसके बाद जो कोई आएगा सब चर्च के बाहर गेट के वहां खड़ाना पड़ेगा दरवाजे के वहां खड़ा रहेगा अंदर नहीं जा सकता अंदर जाएगा काम जो पादरी का वो शाम का खत्म होगा तभी जाएगा और वो अंदर गए हुए लोग बाहर भी नहीं जाएगा बाहर जाएगा कब है जब पादरी वो सब करके बाहर आकर जब आशीर्वाद देगा उसके बाद ही क्या करेगा बाहर जाएगा क्योंकि इसराइलियों के लिए ये आशीर्वाद महत्वपूर्ण था यद्यपि वो प्रथा अभी नहीं है हेलो वो प्रथा धूपदान जलाकर ये सब प्रथा आज परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो अभी एक आराधना में आशीर्वाद तक रहना आशीष का कारण है या तो प्रेरित पालुस यहां रोम की कलिसिया के विश्वासियों को तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे ये आशीर्वाद उन्हें दे रहे हैं क्योंकि ये आ, कलिस्या, इस कलिसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों आ, लोग थे जिसके कारण प्रेरित पॉलुसिया उसके लिए हाईवेल और शालोमनी दोनों शब्द उपयोग करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो यह पहला पद से लेकर सात पद तक का अपना परिचय दे रहा है यह परिचय गया क्या हेलो गया ना पॉलुस क्या कर रहा है पौलुस की ओर से पौलुस की ओर से, से बोला तो मैं कौन हूं बताना पड़ रहा है क्योंकि पौलूस को यह लोग कभी नहीं देखा इसलिए रहा मैं कौन हूं कौन है पौलुष मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार सुसमाचार के लिए क्या किया गया अलग किया या सुसमाचार शब्द आया तो फिर क्या बोलने लगा सुसमाचार क्या है वो बोलने लगा सुसमाचार क्या है उसके बारे में भविष्यताओं के द्वारा किसमें बोला गया था पवित्र शास्त्र में वो क्या है मनुष्य का भाव से दाऊद का वंश से होकर आया और परमेश्वर के पवित्र पवित्रता की आत्मा के द्वारा में से जी उठने के कारण कौन थार गया परमेश्वर का पुत्र और उन पर जो उनका नाम लेकर विश्वास करते हैं उन्हें क्या मिलता है अनुग्रह और प्रेरिताई मिलता है है उसमें तुम भी है जो रोम में रहते हैं तुम परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बोला है के प्रति परमेश्वर की योजना है कलिसिया पवित्र रहे लॉर्ड कलिशिया के प्रति परमेश्वर की योजना है कलिसिया क्या रहे पवित्र रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है hmm? अपना दुल्हीन को है कि नहीं कौन सा दुल्हीन को पवित्र दुल्हीन गौ रोइलॉट इसका मतलब जाना है तो क्या होना चाहिए पवित्र होना चाहिए रोइलॉट पवित्र रहना है तो जागते रहना है पवित्र रहना है तो जागते रहना है तैयारी के साथ बैठने से भी नहीं होगा जागते भी रहना नहीं समझा आप कहीं जाना है ट्रेन का टिकट वाला लिया था रेलवे स्टेशन में भी पहुंच गया तैयारी के साथ जाकर बैठ गया अपने देखा ट्रेन आने में थोड़ा लेट है आराम से बैठकर सो गया बीच में ट्रेन आ गया चले भी गया अब तैयारी के साथ बैठा था लेकिन जागते नहीं रह रहा था हेलो हम तैयारी के साथ रहे कैसा रहना है जो उसमें जागत रहना जागता रहना मतलब हमेशा इस बात के प्रति सतर्क रहना मेरा जीवन मसी के साथ कैसा है यदि यीशु आज आए तो मैं उसके साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हूं या नहीं यही है जागता रहना परमेश्वर कलिसिया परमेश्वर की योजना यही है कि कलिसिया कौन बन जाए पवित्र बन जाए क्योंकि परमेश्वर पवित्र कलिसिया को ही लेने के लिए आ रहे हैं किसी ने कहा जब स्वर्ग पहुंचेगा सबसे आश्चर्य की बात यह होगा कई लोग जिनके बारे में हमने सोचा यह नरगी जाएगा वो स्वर्ग में बैठा है दूसरा कईयों के बारे में हमने सोचा यह स्वर्ग ही जाएगा वो तो वहां दिखेगा ही नहीं मेरी बात खुद समझ रहे क्या तो स्वर्ग में पहुंचेगा आश्चर्य की बात यह होगा कहीं हम जिसके बारे में सोचा यह कभी स्वर्ग नहीं जाएगा वो कहां बैठा बैठा है बैठा है स्वर्ग में जिनके बारे में सोचा यह स्वर्ग ही जाएगा वो तो वहां है ही नहीं कहां है वो काम क्योंकि परमेश्वर किसको लेने आ रहे हैं पवित्र कलिशिया को लेने आ रहे हैं है, तो कलिसिया परमेश्वर की योजना है वो पवित्र बने रहे हैं एक से लेकर सात तक समझ गया उसमें कोई संदेह या डाउट नहीं है आगे पढ़िए आठ परसेंट से या आगे पौलू आठ पद से लेकर उस कलिसिया का संबंध या कलिसिया के प्रति उनका लगाव कैसा है इसके बारे में रहा है। कहते हैं पहले मैं तुम सब के लिए ईश्वर सीख के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारी जगत में हो रही है सबसे पहले इस, इस कलिसिया का एक गुण लेकर उनको परमेश्वर को धन्यवाद दे दे रहे रहे हैं हैं उनको गुण के बारे में कहकर उन्हें प्रोत्साहन का एक तरीका यही है पौलूस कई पत्रियों में पॉलिस विश्वासियों को जब डांटते हैं डांटने से पहले थोड़ा तारीफ करेगा नहीं तो डांटने के बाद उनका तारीफ करेगा हेलो के पत्र में प्रेरित है पौलूस मसीह की प्रेरितई के बारे में ऐसा कहकर मसी की मसीह की या जगत के बारे में कह कर आ रहे। कहते, कहते पौलूस को समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं इन लोग समझने लायक नहीं हुआ तो गुस्सा आया बोला वहां रोकने के बाद बोला सामय के हिसाब से कौन होना चाहिए था गुरु हो जाना चाहिए लेकिन अभी भी तुम बालक है तुम लोगों को अन्न नहीं चाहिए इसका मतलब खाना नहीं चाहिए अभी भी क्या चाहिए दूध चाहिए एकदम सुनाया उसके बाद बोलता है तो भी हमारा विश्वास है, है हमारा विश्वास है कि हम आगे आगे बढ़ेगा उसके बाद क्या बोला परमेश्वर अन्याय ही नहीं तुम लोग प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु के दासों के लिए जो समझकर किया है उसको भूल जाने के लिए वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है अच्छा ढंडा लगाने के बाद चॉकलेट दिया बोला तुम लोग प्रभु की सेवा के सेवकों के लिए जो कर रहे हैं वो भूलने के लिए परमेश्वर क्या नहीं है अन्याय नहीं है उस का जो जो गलती बताने के बाद उसका गुण बता करूंगा क्या कर रहे हैं तारीफ करिए गुण था यहां पौलुस याद रहेगा इस कलिसिया इस कोई को गलती है उसको, उसको बताने नहीं जा रहा है क्योंकि पौलूस कोई संबंध था नहीं है क्योंकि पॉलिस यहां गया नहीं कभी जिसके बाकी अन्य अन्य ये, ये रोमिंग की पत्रियों अन्य पत्रियों में की अन्य पत्रियों से एक विशेषता यह है अन्य कई पत्रियां उस कलिश्य में पाई गई कुछ गलत शिक्षा या गलत बातें या गलत शिक्षा के अधीन होने वाले विश्वासी उन लोगों को सतर्क करने के लिए पॉलिस लिखा है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है पॉलुस का उद्देश्य यह है कि वो जा रहे हैं कहा स्पेन जा रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए कहां पहुंचेगा में पहुंचेगा इससे पहले पहुंचने से पहले अपना परिचय दे दूसरा उसके बीच में जो मनमुटाव की बातें हैं उसको भी समझा दे लेकिन संबंध नहीं है बाकी कलिसिया किसके द्वारा स्थापित किया था पौलुस एकदम डंडा भी लगा सकते नहीं है क्या कहते हैं तुम्हारा पास गुरु दस हजार भी हो सकता है लेकिन पिता मैं हूं इसका मतलब डंडा लगाने के लिए मैं हूं इसका मतलब मेरा पास अधिकार है लेकिन वह पौलुस यहां नहीं कर सकते तो इसलिए पौलुस यहां उनकी तारीफ कर रहा है उनकी गुण के लिए क्या है वो तारीफ करता मतलब वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे किसके लिए इनकी विश्वास के लिए पड़ोस कर रहे इनकी विश्वास की चर्चा सारी जगत में हो रही है पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं किसके लिए क्योंकि तुम्हारी विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है रोम की कलिसिया का गुण क्या है उनका गुण विश्वास में स्थिर रहे। इसका मतलब रोमन साम्राज्य का सम्राट जहां रह रहा है उसका राजधानी होने के कारण कलिसिया को कई प्रकार की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ते हैं लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद वे विश्वास से पीछे नहीं हटा वे विश्वास में क्या रहा है स्थिर रहा है और इसकी चर्चा सारे जगत में और लिखा सारे जगत मतलब वहां सारे जगत जो कर रहे है, पूरा रोमन साम्राज्य में वहां का मूल अर्थ वही है पूरा रोमन साम्राज्य में क्यों क्योंकि राजधानी में जो घटनाएं होती है उसका चर्चा कहां होगा पूरा प्रदेश में और देश में होगा नहीं है रायपुर में कुछ हो जाए पूरा छत्तीसगढ़ में उसका खबर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा दिल्ली में कुछ हो जाए उसका खबर पूरा भारत में पहुंचेगा नहीं है क्या है? हम पुलिस वालों को वकीलों मारा कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है लेकिन दिल्ली में जो हुआ कहां पहुंचा पूरा देश में क्यों क्योंकि घटना कहां हुआ था कहां हुआ था राजधानी में हुआ भाई सर रोम में जो हो रहा है पूरा जगत में रोमन साम्राज्य में पूरा फैल जाएगा क्योंकि ये रोम क्या है रोमन साम्राज्य का कैपिटल है वो इसलिए उस कलिसिया की चर्चा पूरी जगत मतलब पूरा जगत मतलब पूरा पूरा पृथ्वी ऐसा नहीं है वहां गार था। वहां पूरा रोमन साम्राज्य में तुम्हारी विश्वास की चर्चा हो रही है उसके लिए मैं परमेश्वर को क्या देता हूं धन्यवाद पौलुस सा अधिकतर कलेशियाओं के लिए प्रार्थना जब चिट्ठी लेते तब ये बात है परमेश्वर को धन्यवाद है किस बात के लिए हाँ विश्वास पॉलुस यीशु विश्वासियों की जो विश्वास है और आपस में जो प्रेम है उसके लिए प्रभु को क्या दे रहा है धन्यवाद दे रहा है यहां कलिसिया की विशेषता यहां का विश्वास मजबूत था फिसी कलिसिया के विश्वासियों का विश्वास यीशु मसीह के प्रति मजबूत था और आपस में प्रेम भी अच्छा था उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। यहां रोम की कलिसिया के विश्वासियों का विश्वास, विश्वास आ, मजबूत था उसकी चर्चा सारी जगत में हो रही है उसके लिए वो परमेश्वर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। की जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं देखिए पॉलुस क्या कह है मैं तुम्हारे विश्वास की चर्चा जो सारी जगत में हो रही है उसके लिए परमेश्वर को क्या देता हूं धन्यवाद दे रहा हूं आगे कह रहे हैं परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं कई बातें पालुष इसमें कह रहे पालुष कह रहे हैं मैं जो सेवा कर रहा हूं कैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कह लेगा परमेश्वर जिसकी सेवा में मैं अपनी आत्मा से अपनी आत्मा से मतलब पौलुस कह रहा मैं परमेश्वर की सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं अपनी आत्मा से मतलब मैं अपनी मन से उसकी सेवा कर रहा हूं हेलो परमेश्वर की सेवा आप कुछ भी करें किसी भी प्रकार की सेवा आप परमेश्वर की करें वह आपका मन से और हृदय से होना चाहिए क्यों क्योंकि उसने आपके लिए जो किया है उसको स्मरण करेगा तो जरूर हम उसकी सेवा मन से करेगा Praise the Lord. मैं अपनी आत्मा से इसका मतलब पौलुषकर है मैं अपने हृदय की गहराई से किसकी सेवा करता हूं पर, परमेश्वर की पालुष की सेवा का ही देखा तो आपको मालूम होगा वो नहीं है क्या उसकी सेवा पक्का किसमें सा अपनी आत्मा से लगन से किया वो किसी के परवाह ना करते हुए अपने जीवन की परवाह ना करते हुए उसने वो सेवा किया उसका है मैं अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करता हूं और परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं किसका पुत्र है परमेश्वर का पुत्र का सुसमाचार यह पौलुस साहब इस रोमी की पत्नी में सुसमाचार का काला अध्याय में का पहला पद में यह सुसमाचार के बारे में लिखा परमेश्वर के सुसमाचार हेलो नहीं है क्या पहलाध्याय अध्याय का सुसमाचार यहां क्या लिखा है पुत्र के सुसमाचार आखिरी में पौलुष मेरा सुसमाचार भी कार मेरा सुसमाचार एक सोलह उसका, अध्याय उसका, उसका सोलह थे का पच्चीस पद पड़ी के पत्र सोलह का पच्चीस देखिए वहां क्या कहा मेरे सुसमाचार इसका मतलब पौलुस का कोई सुसमाचार था क्या हेलो वहां पौलुस कह रहा है मेरे सुसमाचार तो पौलुस का कुछ सुसमाचार था क्या नहीं है पौलुस आगे कह है मेरा सुसमाचार क्या है वो आगे कह रहा है क्या कह कार मेरे सुसमाचार के अनुसार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार यीशु मसीह का संदेश का प्रचार क्या है दाऊद का संदान होकर आया पवित्रता की आत्मा से मरे ओमे से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा यही है मसीह का सुसमाचार कह रहा है वह सुसमाचार के अनुसार यहां भी पौलूस रोम के पत्र पहला अध्याय उसका नव पद में परमेश्वर जिसकी सेवा में अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं प्रभु यीशु मसीह उसके परमेश्वर का पुत्र के सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का सुसमाचार क्या यीशु मसीह का सुसमाचार दाऊद का संदान होकर आया मारा गया गाड़ा गया तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा यही है सुसमाचार उस विषय के अनुसार करता हूं वही मेरा गवाह है कौन है मेरा गवाह है कौन है मेरा गवाह है परमेश्वर गवाह है जिसकी मैं सेवा करता हूं और उसका पुत्र का सुसमाचार सुनाता हूं वो परमेश्वर मेरा गवाह है किस बात के लिए गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं उतना ही नहीं और नित्य अपने प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से तुम्हारे पास आ, किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। फॉलू सा यहां परमेश्वर को गवाह ठहरा रहे किस बात के लिए रोम की कलिसिया को मैं नित्य स्मरण करता हूं इस बात के लिए पौलुस सह किसको गवाह ठहरा रहे परमेश्वर मेरा गवाह है मैं तुम्हें क्या करता हूं नित्य स्मरण करता हूं पौलुस स अधिकतर पत्रियों में कहता है मैं नित्य तुम्हारे लिए क्या करता हूं प्रार्थना करता हूं स्मरण करता हूं के द्वारा स्थापित साइकड़ों कलिसिया है उसके लिए हर दिन क्या करता करता था था प्रार्थना यह स्थापित किया ही नहीं उसके लिए भी वो क्या करता था प्रार्थना कर उसको स्मरण करता था कह रहा मैं जो बोल रहा हूं झूठ नहीं बोल रहा है मैं तुमको प्रतिदिन स्मरण करता हूं यह झूठ नहीं बोल रहा है उसके लिए गवाह कौन है परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा अपनी आत्मा से करता हूं वो परमेश्वर गवाह है कि मैं तुम्हें नित्य क्या करता हूं स्मरण करता हूं ये हर सेवकों का कर्तव्य है कि हम कलिसिया को स्मरण करने वाले हो जाए हो सके तो हर दिन हर कलिसियाओं के लिए प्रार्थना करें ताकि वे प्रभु में बने रहे वहां का विश्वास ही प्रभु में स्थिर रहे पौलुस की विशेषता पौलूस हजारों लोगों का नाम पौलुस को याद था नहीं है अपनी पत्रियों में पौलुस जब लिखते हैं हर पत्रियों में किसी किसी का नाम तो लेता ही है वो फलाना को धन्यवाद देना फलाना को नमस्कार कर देना चलो यह एक अच्छा सेवा का गुण है वो कब होगा मालूम जब उनके लिए प्रार्थना करेगा तब। प्रेज अलॉट कम से कम याद नाम याद नहीं है तो चेहरा तो याद रखना प्रेज अलॉट और उनको प्रार्थना में क्या करना स्मरण करना पालूस का तब परमेश्वर मेरा गवाह है मैं तुम्हें क्या करता हूं स्मरण करता हूं परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। पलूस अपनी अपने द्वारा या उनके द्वारा बनाए गए कलिसिया के बारे में नहीं कहा है कभी ना देखा हुआ कलिसिया कभी वहां गया नहीं उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं उनको स्मरण करते हैं उसके लिए परमेश्वर गवाह ठाया तो था। याद रखिए हम जो कुछ कहेगा जो कुछ कहेगा उसके लिए परमेश्वर गवाह है यह जानकर बोलना चाहिए है नहीं समझा कुछ भी बोले हैं। उसके लिए कौन गवाह है परमेश्वर गवाह है यह समझकर बोलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है किसी को बोल रहे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो याद रखना कौन देख रहे हैं प्रार्थना नहीं किया तो नहीं बोलना मैं आपके लिए प्रार्थना किया हूं झूठ नहीं बोलना था कम से कम उनको बोल दिया मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा बोल रहा ना कम से कम उसी वक्त थोड़ा प्रार्थना कर लेना नहीं समझा मेरी बात को समझ रहे क्या हम कई बार कई लोग हम आपके लिए प्रार्थना कर प्रभु आपकी सहायता करेगा लेकिन कभी फिर दोबारा जब उसको देखेंगे तब याद आता है मैंने उनको बोला था मैं तुम्हारे लिए क्या करूं हम कई लोगों का प्रार्थना क्या है हम सबके लिए प्रार्थना करते किसके लिए पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते नहीं करते क्या है, है किसी पाद्री ने बोला पादरी साहब हम गलत कहां है हम तो प्रार्थना में क्या बोलते हैं प्रभु दुनिया के सारे संतों के लिए प्रार्थना करता हूं उसमें यह भी आ जाता नहीं आता है क्या आपने जिसके लिए बोला मैं आपके लिए क्या करता हूं प्रार्थना करता हूं आपने बोला प्रभु दुनिया के सारे संतों के लिए मैं प्रार्थना उसमें यह भी आ गया इसका मतलब आप झूठ नहीं बोला यह बहाना है पालुस उसकी विशेषता यह था वह हर किसी के लिए क्या करता था उनकी तो सारी पत्रियां पढ़कर देखें हर पत्रियों में अधिकतर यह कहते हैं मैं तुम्हें नित्य स्मरण करता हूं हर दिन हर दिन मैं तुम्हें तुम्हें स्मरण करता हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं यह पहलु सेवा भी करता था प्रार्थना भी करता था कब प्रार्थना करता था यह काम भी करता था नहीं करता था ये क्या तंबू बनाने का काम भी करता था तो ये प्रार्थना कब करता था काम करते भी वो क्या करते थे कई कर लोग क्या सोचते प्रार्थना तभी होता जब घुटने में आएगा तभी नहीं है चलते फिरते भी आप क्या कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं हम ऐसा प्रार्थना का आदत बना ले प्रार्थना हमारा स्वभाव बन जाए चलो कई लोगों के लिए प्रार्थना का को कोई विषय ही नहीं है क्योंकि वो प्रार्थना करता ही नहीं है ये प्रार्थना करना शुरू करें तो विषय का लंबा लिस्ट आएगा तो खत्म ही नहीं होगा आ, तो हम प्रार्थना किसके लिए करते हैं हमारे लिए करते हैं और किसी के लिए करता ही नहीं नहीं है क्या कई लोगों का लिस्ट खुद का लिस्ट इतना लंबा है दूसरा का लिस्ट याद करने के समय ही हमारी प्रार्थना शुरू होता है प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए उसके लिए उसके बाद हमारा मेमोरांडम शुरू हो जाता है कौन सा निवेदन आवेदन दे रहे वो देना, ये देना, वो देना, ये देना। में क्या बोलेगा प्रभु सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ उन्हें भी क्या कर देना आशीष देना बस हो गया उनके लिए केवल एक ही शब्द बाकी सब किसके लिए हमारे लिए नहीं है प्रार्थना प्रार्थना में दूसरों के लिए बिछवई का काम करने वाले हो जाए। है यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा तो आप अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है नहीं पड़े उल्टा होना चाहिए हमारी प्रार्थना हमारे लिए जो है वो एक संडन में होना चाहिए बाकी सबके लिए लंबा होना चाहिए नहीं है क्या ऐसा करेगा तो होगा क्या पक्का होगा नहीं है आयुब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया मित्रों को परमेश्वर का दंड आया आकर में आयुब प्रार्थना उनके लिए प्रभु उनको तो चंगा छुटकारा दिया उसके बाद क्या लिखा है हैं? प्रभु आयुब की परिस्थिति को ही क्या कर दिया है बदल दिया प्रार्थना किसके लिए किया था उनके दोस्तों के लिए प्रभु छुटकारा किसको भी दिया है आयुब को भी दिया हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जा जाए पहले कहता है परमेश्वर मेरा गवाह है मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता हूं स्मरण करता हूं और मेरा वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं दसवा पदक और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो आप आलोच कर रहे हैं अब मैं प्रार्थना भी करता हूं प्रार्थना किस बात के लिए नित्य प्रार्थना कर रहा हूं नित्य अपने प्रार्थनाओं में प्रार्थना करता हूं किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो और मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं यह मेरी इच्छा है और सफल होने के लिए मैं क्या करता हूं प्रार्थना करता हूं उसके बीच में एक शब्द बोला क्या बोला हैं? परमेश्वर की इच्छा से मेरी दिली इच्छा है मैं तुम्हारे पास आऊं उसके लिए द्वितीय क्या भी कर रहा हूं किसी भी प्रकार से तुम्हारे पास आऊं यह पूरी होने के लिए मेरी इच्छा है प्रार्थना भी यही है लेकिन मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा से वो पूरी हो जाए चलो कई पत्रियों में इस बात का सही शब्द उपयोग किया यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा याकूब अपनी पत्र में इसको चेतावनी दे रहा है ये नहीं कहा ना मैं फलाना जगह पर जाऊंगा है साल काम कर झंडा करूंगा पैसा कमाऊंगा फिर क्या बोलना चाहिए यदि परमेश्वर की इच्छा है तो नहीं है हेलो याकूब की पत्री

और यह या, या वह काम भी करेंगे हेलो यह नहीं बोलना चाहिए मैं फलाना शहर में जाऊंगा एक साल का, काम करूंगा व्यापार करूंगा कमाऊंगा करके नहीं बोलना चाहिए फोर बोलना क्या चाहिए यदि प्रभु की इच्छा है तो कई प्रचारक लोग कहते हैं ऐसा प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए कैसे प्रार्थना प्रभु आपकी इच्छा तो पूरा कर आपकी इच्छा है तो करें यह प्रार्थना नहीं करना चाहिए क्योंकि वह आपका अविश्वास प्रकट है बोलता है नहीं समझा आप प्रभु से प्रार्थना करा प्रभु मेरे लिए चाहिए उस वक्त आप यदि कहें प्रभु आपकी इच्छा है तो दे ये कहने से आपके अंदर पूरा विश्वास नहीं है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं आपके अंदर पूरा विश्वास नहीं है प्रभु यह करेगा आप पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे इसलिए करे प्रभु आपकी इच्छा है तो दे देना कह रहे या आप ऐसा कर देने कह लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कभी हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना न करें हमारी आवश्यकताएं हैं लेकिन वह आवश्यकता हमारे जीवन में पूरी होने से उसका परिणाम क्या निकलेगा हमको नहीं मालूम इसलिए आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए प्रार्थना करके ही अपने जीवन में जरूरतों को प्राप्त करना लेकिन यह शब्द कह देना अंत में प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी होना क्योंकि हमारे लिए क्या भला है हम नहीं जानते हैं परमेश्वर जानते हैं और दूसरा हमें परमेश्वर जब देता है वो सर्वोत्तम वस्तु देता है इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार हो जाए यह हमारी प्रार्थना पौलुस है कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं हृदय की इच्छा है कहां जाए कहां जाए रोम में जाए अब पौलुस रहा है किसी भी रीति से पूरी हो जाए लेकिन अभी भी मेरी इच्छा के न, अनुसार नहीं किसकी परमेश्वर पौलुस की, की प्रार्थना सुना है क्या पौलुस का प्रार्थना परमेश्वर सुना है क्या सुना जरूर है पॉलुस रोम में पहुंचा नहीं है क्या पहुंचा है लेकिन दूसरा रूप में था हेलो स्वतंत्र होकर स्पेन जाते वक्त कहां जाना चाह कहां जाना चाह रोम में खुद का टिकट लेकर यात्रा करके वहां पहुंचना चाह लेकिन रोम में पहुंचा पॉलुस टिकट दूसरा दिया कौन दिया सरकार दिया नहीं है क्या हेलो जल जहाज की टिकट कौन लिया है रोमन सरकार की पैसा से वहां पहुंचा टिकट सरकार लिया था क्योंकि कैदी हो गया था पौलुष स्वतंत्र होकर जाना चाहा कैसे पहुंचा कैदी होकर और पौलूस कितना दिन के लिए जाना चाहा? कुछ ही दिनों के लिए मैं तुमसे मिलकर वहां जाऊंगा तो तुम लोग थोड़ी देर दूर मुझे पहुंचा देना इसका एक, दो रहना चाहता। मिलकर जाना चाहूंगा प्रभु ने बोला तू वहां पड़े रहो दो साल प्रभु को मालूम होगा इसको बांध कर नहीं रखेगा तो यह क्या करेगा यहां से भागेगा इसलिए प्रभु ने उसको रखा कैसे बांध कर रखा बांध कर रखने से फायदा हुआ है क्या आ, वहां पड़े पड़े पॉलिस फिलिपी कलिसियम को लिखता है मेरे कारण चिंता मत करना क्योंकि मैं यहां रहना परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए कारण हुआ है क्योंकि का सारा पलटन किसको जान लिया मसी को जान लिया चलो कैसे मालूम क्योंकि ये बंदी था स्वतंत्र कैदी था जिसके कारण एक, एक सिपाही के साथ उसको क्या कर देता था बांध देता छह घंटे के लिए एक सिपाही तो दिन में कितना सिपाही हेलो चार सिपाही एक दिन में चार सिपाही एक दिन में तो छे आठ घंटे आठ घंटे के लिए घंटे के लिए एक सिपाही था तो तीन सिपाही एक दिन में इनके साथ बांधता था कैसर का पलटन में पैंसठ हजार सिपाही लोग थे सिपाही लोग थे इसका मतलब एक सिपाही जो एक बार आया वो और कभी नहीं आएगा तो पौलुस को बांधकर पौलुस के साथ इसको बांध कर रखा है क्योंकि एक हाथ में पौलुस एक जंजीर का एक सिरा किसके हाथ में पौलुस के हाथ दूसरा सिरा किसके हाथ में सिपाही के हाथ में यह बांधने से पहले सिपाही एक बार देखेंगे इसको इसको पौलुस को नहीं समझा तो पौलुस का शरीर में भयंकर मार खाने का निशान पाया जाता है इसलिए पौलुस कहते हैं मसीह का निशान अपने शरीर में लिए फिर विद्वान अभिप्राय में यह पौलुस का पूरा शरीर पूरा मार मार खाया ना कोड़े खाया ना उसका निशान है तो ये सिपाही जो उसके साथ बांध कर रखा है पहली बार देख रहे बदमाश है इतना बदमा क्या इतना मार खाया है तो पॉलुस नहीं मार खाया है दूसरे एक आदमी के कारण खाया है तो यह सिपाही पूछे वो कौन है उसका नाम नासरी नासू है तो सुसमाचार बोलना शुरू करता है अब तो वो चाहे तो भी भाग नहीं सकता क्योंकि क्या कर रखा है बांध कर रखा विद्वान का अभिप्राय छठ घंटे के अंदर घंटे के अंदर घंटा घंटा है नहीं, ही है नहीं ही चार सिपाही एक दिन में छे घंटे के अंदर यह सिपाही यीशु मसीह को ग्रहण कर देता है पौलुस के साथ बैठा तो क्यों ग्रहण नहीं करेगा पौलुस कहीं से जाएगा तो भी वहां के लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो बांध कर रखा तो क्यों नहीं ग्रहण करेगा तो यीशु मसीह को ग्रहण करके जाएगा अपना घर में जाकर पत्नी बच्चों को बोलेगा इसका मतलब दिन में कितने सिपाही चार सिपाही इसका मतलब रोमन नगर में रोमन नगर अर्थात रोम में रहने वाले उस उस राजधानी में रहने वाले चार परिवार एक दिन में मसीह को ग्रहण करता है रोमन सरकार के पलटन के लोग हैं कैसर के पलटन के लोग हैं ऐसा चार परिवार प्रतिदिन दो साल वहां रहा पूरा पलटन किसी को जान लिया किसको जान लिया मसी को जान लिया यह परमेश्वर की योजना था कि पौलिस कई होकर वहां रहे ताकि उस शहर के गणमान्य लोग मसीह को जानने वाले हो जाए। की प्रार्थना प्रभु सुन लिया लेकिन तरीका परमेश्वर का था उलूस का नहीं था पौलुस एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कुछ ही दिन जाकर रहकर मिलकर जाना चाहा प्रभु ने बोला तू कुछ दिन नहीं दो साल वहां रहना और तू भागना नहीं इसलिए तुमको क्या रखा रखा है कर रखा है बांध कर फायदा बहुत हुआ मालूम कुछ हुआ है क्या और कुछ फायदा हुआ क्या वहां रहने के कारण चार पत्रियां निकला है नहीं निकला कौन सा पत्री फिलिपियों की पत्री फिलोबोन की पत्री पत्रियां और चारा ग्रह पत्रियां बंदीग्रह ग्रह पत्रियां पावलोस वहां रहने के कारण निकला है इसका मतलब पवलोस वहां रहना परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कारण ठहरा है वो भी कैसे हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कभी हम प्रभु से प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना भी यही हो प्रभु मेरी यही इच्छा है लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु हम ग्रह ब्रेक है चाय पिएंगे उसके बाद फिर से हम आएंगे पंद्रह चार दस हो गया